नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ स्वीटी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। लंबे इंतजार के बाद अब जल्द ही बच्चों का वैक्सीनेशन देश में शुरू होने वाला है। नए साल में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बीच बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। जैसे बड़ों का वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी था, ठीक उसी तरीके से बच्चों का भी वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन कोविन प्लेटफॉर्म पर ही होगा। 1 जनवरी 2022 से इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि कोविड 19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में वृद्धि को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को वायरस के खिलाफ लड़ाई में ये बड़ा फैसला लिया। जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत। चलिए तो मैं आपको बताऊंगी कि आखिर कैसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक करना बेहद आसान है। इसके लिए सबसे पहले आपको कोविन प्लेटफॉर्म पर जाना होगा, जहां पर बच्चे के बारे में जानकारी देनी होगी, जैसे नाम और उम्र। इसके बाद बच्चों के आधार कार्ड या फिर 10वीं क्लास का आई कार्ड सबमिट करना होगा। उसके बाद आसानी से प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। अगर आपके घर में भी इस उम्र के बच्चे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस प्रोसेस की मदद से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और साथ ही जानकारी दे दें कि बच्चों के वैक्सीनेशन वाली जगह पर बच्चों के हिसाब से सजाया गया है। इतना ही नहीं, बच्चों को डर ना लगे इसलिए खिलौने का भी इंतजाम किया गया है। तो आप खुद को सुरक्षित रखिए और अपने बच्चों को भी वैक्सीनेशन जरूरी लगाइए, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए ये एकमात्र तरीका है।